भगवान महावीर जी की जयंती के अवसर पर 2525वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित जिनके आशीर्वाद हम सबको मिले हैं, आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी, विजय सापला जी, सतीश उपाध्याय जी, पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी, सुभाष ओसवाल जी, सत्यभूषण जैन जी, श्री श्याम जाजू जी, मंचासीन संत महात्माओं के साथ साथ समारोह के आयोजन में उपस्थित मंडल के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी जैन भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको महावीर जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं जब आया तो यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो रहा था तो मुझे भी पीछे से आगे बुलाया गया। बेटा सब पीछे कर दो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज यहाँ पे जो दीप प्रज्वलन हुआ ये भगवान महावीर जी के संदेश को सारे विश्व में वो संदेश पहुँचे, इसलिए दीप प्रज्वलन करके उसको प्रकाशमय करके गया करने किया गया। मैं ये तो दावा नहीं करूँगा कि इस दीप प्रज्वलन से सारे विश्व का अंधेरा छट जाएगा, लेकिन भगवान महावीर जी के संदेश जो है वो सारा विश्व का अंधेरा भी एक साथ अगर आएगा तो उनके विचारों के प्रकाश को वो नष्ट नहीं कर पाएगा। ये ताकत भगवान महावीर जी के संदेश की है। आज सारे विश्व को भगवान महावीर जी के संदेश की आवश्यकता है। विश्व तीसरे महायुद्ध के कगार पर है, ऐसे में अहिंसा का संदेश अगर पूरे विश्व ने स्वीकारा तो निश्चित तौर पर भगवान महावीर जी के विचारों के कारण इसको रोका जा सकता है। ये मैं बड़े दावे से यहाँ पे कहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो जैन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे सारे भगवान महावीर जी को मानने वाले हैं। 2014 में जब मैं महाराज जी चुनाव लड़ रहा था तो मैं नामांकन करने जा रहा था, रास्ते में जैन मंदिर मिला, मुझे साथियों ने वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे महाराज थे, महाराज ने कहा आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलेगा, अगर मुझे आप वचन देते हो कि संसद में जाके गोवंश हत्या के बंदी के ऊपर काम करोगे तो ही मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, आप आशीर्वाद दीजिए। उनका आशीर्वाद मिला और मैं 2014 में सांसद बना, और जैसे सांसद बना हम लोग 8 सांसद एक साथ में आके महाराष्ट्र में गोवंश हत्या बंदी का कानून बनाने के लिए सरकार के पास हम लोगों ने फॉलोअप किया, राष्ट्रपति जी तक वो फाइल पहुंचाई, उनकी साइन होने तक वहाँ हम लोग बराबर उसका फॉलोअप लेते रहे और वो कानून बना के गोवंश हत्या बंदी का कानून पास करवाने का काम जैन महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने किया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हम लोग जब जिंदगी जीते हैं तो हमेशा ये सोच के जीते हैं कि पैसा संभाल के रखिए, बुरे वक्त में काम में आएगा। लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ,
कि मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, महावीर जी के अहिंसा के वचन के साथ चलिए, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी हमें ऐसी जीनी चाहिए, उन पेड़ के पत्ते जैसा नहीं जो सूखकर जमीन पर गिरे, बल्कि उन मेहंदी के पत्तों जैसा जीना चाहिए जो खुद पीसकर दूसरे के जिंदगी में रंग भर दे। और यही संदेश भगवान महावीर जी ने हमें दिया है, और हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके विचारों के साथ चल रहे हैं, उनका विचार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनके आशीर्वाद से मैं जैसे कहते रहता हूँ कि दुनिया में भाग्यशाली वो होता है जिसके पास भूख के साथ भोजन भी हो, नींद के साथ बिस्तर भी हो, और धन के साथ धर्म भी हो। और हमारे जन समाज के सभी भाई जिनके पास धन तो है लेकिन धर्म उससे ज़्यादा है। इसलिए हमारे सतीश जी ने कहा, शायद चले गए, उन्होंने कहा कि देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान उनका है, वो धन का है, लेकिन देश में या विश्व में अहिंसा का संदेश देने का जो काम कर रहे हैं वो सही मायने में धर्म का काम आप लोग कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, फिर से एक बार महावीर जयंती की आपको सबको बधाई देता हूँ, और जितने भी आयोजक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में उपस्थित रहने का मुझे मौका दिया, और इतने बड़े महाराज के सामने मुझे दो बातें कहने का मौका दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देके मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर जी।